जया किशोरी ने दिया ऐसा बयान जिससे फिर सोशल मीडिया पर छा गई एक बार। जया ने दिया रामायण का असली ज्ञान। रामायण को सिर्फ कथा समझने वाले करते हैं भूल, रामायण पढ़ ली तो मिल जाती है एक डिग्री। जया के इस वीडियो से मिलेगा जीवन जीने का तरीका। जया ने बताया कंफ्यूजन कर्तव्य वचन पद को संभालना। दादा और पिताजी के खोले राज अगर देख लेंगे पूरा वीडियो तो आ जाएगा खुशहाल जीवन जीने का तरीका। जया किशोरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है। उनके बयान और प्रवचन सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जया के हर बयान में वो भक्ति भाव छिपी होती है जिसे सुनने मात्र ही लोगों को शांति मिलती है। अब जया ने रामायण को लेकर एक ऐसा ज्ञान दिया जिसे आज तक आप अनजान होंगे। जया ने जब रामायण को लेकर ये बातें कही तो सोशल मीडिया पर छा गई। अगर आप भी रामायण को सिर्फ एक कथा समझते हैं तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर रामायण पढ़ ली तो डिग्री मिल जाती है। जया के इस वीडियो को देख न सिर्फ आपको जीवन जीने का तरीका मिलेगा बल्कि इस जिंदगी के कठिन मोड़ पर कर्तव्य पद वचन और फर्ज को कैसे संभालना है ये भी समझ आ जाएगा। मशहूर कथावाचक जया किशोरी को आज कौन नहीं जानता। जया किशोरी अक्सर अपने मोटिवेशनल स्पीक को लेकर लोगों में पसंद की जाती है। जया जगह जगह भागवत कथा का आयोजन कर लोगों को भगवान से जोड़ने की कोशिश करती है। वहीं जया के सोशल मीडिया पर भी लाखों में फॉलोवर्स है। ये फॉलोवर्स जया के सादगी के साथ साथ उसके मोटिवेशनल स्पीक के दीवाने हैं। अब हाल ही के दिनों में जया का रामायण को लेकर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के अनुसार रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि वो एक डिग्री है। लोग अक्सर अपने जीवन जीने के तरीके को लेकर परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अपने कर्तव्य फर्ज वचन और पद को लेकर थोड़ी सी भी गलती करने पर उन्हें जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है और इसी का ज्ञान रामायण से मिलता है। जया बोलते बोलते अपने दादाजी को भी याद करती है। जया कहती है मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि मेरे दादाजी ने उनसे कहा था कि रामायण पढ़ लो तो वो एक डिग्री से कम नहीं है। जिसने रामायण को समझ लिया वो जीवन जीने का तरीका समझ जाता है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितने भी कंफ्यूजन आ जाए, वचन फर्ज की बात आए तो क्या करना है इस बात का ज्ञान हो जाता है। जया ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब सीता माता का हरण हुआ था तब प्रभु श्री राम के पास सेना नहीं थी, उस वक्त उनके पास वानर ही मौजूद थे। तब उन्होंने वानरों की ही एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी है उसी से बेस्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, न कि वेट करेंगे जिस दिन बेस्ट मिलेगा उस दिन काम शुरू करेंगे। जो है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो।